ठाकरे ने कहा ऐसे नेताओं को कसाई खाने में छोड़ना चाहिए। वीर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज ही मराठवाड़ा दौरा शुरू किया। इनकी बीड़ में सभा हुई। वीर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज ही मराठवाड़ा दौरा शुरू किया है। इनकी बीड़ में सभा हुई। इस सभा में उन्होंने कर्ज माफी, किसान, राम मंदिर, राफेल आदि मुद्दों पर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कुछ दिनों पहले राज्य के जल संधारण मंत्री राम शिंदे इन्होंने कहा कि अगर घास नहीं है तो अपने जानवर मेहमानों के यहाँ छोड़ दो, ऐसा कहते हुए वाद निर्माण किया था। उनके इस वाक्य पे समाचार लेते हुए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे इन्होंने ऐसे नेताओं को कसाई खाने में छोड़ो ऐसा अप्रत्यक्ष कहा। कुछ खबर देखने के बाद पैरों की आग मस्तक तक पहुंचती है। वैसे ही एक खबर में एक बात आई थी कि अपने जानवरों को खाने को घास नहीं है तो मेहमानों के यहाँ छोड़ो। कुछ खबर देखने के बाद पैरों की आग मस्तक तक पहुंचती है। वैसे ही एक खबर में एक बात आई थी कि अपने जानवरों को खाने को घास नहीं है तो मेहमानों के हाथ छोड़ो। ऐसे जो बोलने वाले मंत्री है उन्हें कसाई खाने में छोड़ना चाहिए। यह बेशर्मी शिवसेना को नहीं चलेगी। गाय बैल जिन्हें हम अपने परिवार के सदस्य मानते हैं, एक पिता अपने बच्चे को खाना नहीं दे सका तो क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से उस गाय बैल की जवाबदारी लेने पर उनके पेट का ध्यान भी रखना होगा। मराठी में कहावत है, साधु संत एति घरा तुमची दिवाळी दसरा, लेकिन अब स्थिति कुछ और ही है। संधि साधु एति दारा, माने चुनाव आए हैं। केवल घोषणाओं से जनता का पेट भरने वाला नहीं है। झूठ बोलकर अन्नदाताओं को मत फंसाओ। ना ही किसानों के प्रश्न छुड़ाए हैं, ना ही राम मंदिर मुद्दा छुड़ाया। हम मन की नहीं जन की बात करते हैं। केंद्रीय पद आपके हाथों में आ गया है, कोई मदद की आवश्यकता रही क्या? ऐसा प्रश्न ठाकरे इन्होंने जनता से किया। क्या कहा था राम शिंदे ने? दिसंबर में केंद्रीय मंत्री दुष्काल देखने पथक नगर जिले के दौरे पर आए थे। तब पार्श्वभूमि पर पालक मंत्री राम शिंदे भी पाथरड़ी आए हुए थे। तब एक किसान उन्हें मिला, उसने कहा कि घास उपलब्ध नहीं होती, जानवर को भूखा ही रहना पड़ता है। उस समय पालक मंत्री राम शिंदे ने कहा कि आपके जानवरों को मेहमानों के यहाँ छोड़ाओ। तो देखते रहिए खास खबर एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।